कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज आपके लिए लेके आया हूं एक डीएसपी वाला प्लेयर और एक नॉन डीएसपी वाला प्लेयर। गाइज, एक जो एंड्रॉइड स्टूडियो है जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जिसमें आपको इक्वलाइजर मिल जाएंगे साउंड सेटिंग में। लेकिन गाइज, अगर आप लेना चाहते हैं डीएसपी वाला प्लेयर, तो डीएसपी वाले प्लेयर में और ये जो सिंपल इक्वलाइजर वाला प्लेयर है जिसमें कि साउंड सेटिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों की साउंड क्वालिटी आज मैं चेक करने वाला हूं कि कैसी साउंड की क्वालिटी है, और दोनों का कंपैरिजन भी मैं दिखाऊंगा। एंड गाइस, प्राइस की बात हम करेंगे वीडियो के आखिरी में। तो सबसे पहले गाइस, मैं आपको नॉन डीएसपी प्लेयर का जो साउंड है उसकी टेस्टिंग दिखाता हूं, उसके बाद गाइस फिर हम चलेंगे डीएसपी की तरफ। तो गाइस, ये है अपने पास नॉन डीएसपी एंड्रॉइड स्टीरियो, और इसमें आपको मैं इक्वलाइजर दिखा देता हूँ। ये साउंड सेटिंग, एंड साउंड सेटिंग में आप देखेंगे क्लासिकल, डांस, फॉल्क, हैवी मेटल, हिप हॉप, जाज, पॉप, रॉक, ये सारे बैंड इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये सारी सेटिंग हो जाएगी, अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चलाता हूँ यूट्यूब पे, पॉप रॉक पे करके, रॉक पे क्लिक किया, रॉक पे सेटिंग करके अब हम यहाँ पे गए इस पे, और यहाँ से एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करते हैं। अभी आप गाइस देखेंगे, मैंने यहाँ पे पॉप पर क्लिक किया और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे साउंड प्ले करता हूँ, और देखते हैं साउंड की क्वालिटी। गाइज, अभी मैं डांस पे क्लिक किया, अब डांस की जो इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे देखता हूँ आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये प्ले किया, इसी तरीके से गाइस मैं हिप हॉप पिक करता हूँ, हिप हॉप का देखता हूँ क्या है इफेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक डीएसपी वाला प्लेयर लगा के देखता हूँ, और फिर उसका जो साउंड टेस्टिंग है वो भी करता हूँ, और देखता हूँ कि क्या डिफरेंस दोनों की साउंड क्वालिटी में आता है। और गाइज, आप भी थोड़ा सा ईयरफोन लगा के सुने इसको, जिससे कि आपको पता चले कि दोनों का डिफरेंस क्या है। गाइज, ये है एक इनबिल्ट डीएसपी वाला प्लेयर जिसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। आप इक्वलाइजर पे जाएंगे तो आपको 12 बैंड मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और पॉप, जाज, क्लासिकल, रॉक, न्यूज़, अर्बन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और ये इनबिल्ट डीएसपी वाला प्लेयर है। बहुत सारे फीचर हैं इसमें और भी, और आपको यहाँ पे कलर सेटिंग वगैरह मिल जाएगा जैसे कि और स्टूडियो में डिस्प्ले के अंदर होता है।
आपका नॉन कॉपीराइट। गाइस थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा यहाँ पे, और जो बैंड दिए गए हैं उनका भी मैं दिखाता हूँ। पॉप पे करके, पॉप पे क्लिक किया और ये यहाँ पे प्ले किया, और देखते हैं अब क्या असर रहता है। और ये मैंने किया प्ले, तो गाइस इस तरीके से पूरा जो है टेस्टिंग मैंने आपको करके दिखाया। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से बैंड वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, और ये 12 बैंड के अंदर आता है, और जो आपका नॉन डीएसपी प्लेयर आता है वो भी मैंने आपको दिखाया। तो अब हम करते हैं इसको एक बार अर्बन करके, इसमें दिया गया है ऑप्शन, अर्बन की सेटिंग देखते हैं क्या कैसा साउंड इफेक्ट है, उसके बाद फिर करते हैं प्राइस की बात। आई होप गाइज कि आपको डीएसपी और नॉन डीएसपी दोनों स्टीडियो जो हैं उनमें जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। साउंड की क्वालिटी, बैंड, इक्वलाइजर, सारी जो टेस्टिंग थी वो मैंने अपने तरीके से करके दिखाई। और भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि डीएसपी या नॉन डीएसपी प्लेयर में क्या डिफरेंस है। अगर प्राइस की बात करते हैं तो जो मार्केट में अभी चल रहा है डीएसपी और नॉन डीएसपी, उन दोनों में जो डिफरेंस रहता है वो मिनिमम 4000 रुपीज़ का रहता है। अगर आप 10000 रुपीज़ में नॉन डीएसपी प्लेयर लेते हैं और 15000 रुपीज़ अगर आपको डीएसपी प्लेयर के लिए पे करने पड़ रहे हैं, तो आई थिंक वो डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि जो इसमें चिप लगती है डीएसपी वाली वो थोड़ी सी महंगी होती है। और साउंड की क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव करते हैं ये लोग इसमें, क्योंकि साउंड का आउटपुट अगर अच्छा होगा तभी दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। और डीएसपी नॉन डीएसपी का जो साउंड क्वालिटी है वो वाकई दोनों में काफ़ी अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी डिफरेंस है। जो पैसा वो हमसे ले रहे हैं वो आई थिंक कहीं ना कहीं जायज़ है। प्रॉपर जो डिफरेंस है वो समझ में आता है कि हाँ साउंड क्वालिटी में डिफरेंस है। तो गाइज अगर आपको चाहिए मैक्सलिंक का एंड्रॉयड स्टीरियो तो आप अपनी नियर कार एसेसरी शॉप पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। और इनके लेटेस्ट प्रोडक्ट आते रहते हैं तो आप अपने नियर कार एसेसरी शॉप पे ले सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑनलाइन अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन इनका प्रोडक्ट अभी नहीं है, और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो बेच रही हैं ऑनलाइन, तो आप चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो भी स्टूडियो था वो मैंने आपको दिखाया, जिसमें जो नॉन डीएसपी प्लेयर था वो था योंकर्स इंडिया का, और जो डीएसपी वाला प्लेयर था वो था मैक्सलिंक का। तो दोनों की साउंड क्वालिटी आप समझ सकते हैं कि बेटर किसकी है। और अगर आप नॉन डीएसपी में किसी भी कंपनी का प्लेयर लेंगे तो आई थिंक यही साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और डीएसपी प्लेयर अगर आप लेते हैं तो आपको जो मैक्सलिंक का प्लेयर है हो सकता है इसकी क्वालिटी मिल जाए, लेकिन मैक्सलिंक जो है आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, तो आई थिंक इसका जो आउटपुट वगैरह है, जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड कार म्यूज़िक हब यहाँ मिलेगा सब आपके लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग, रिव्यू लेके आता रहता है। तो कार म्यूज़िक हब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।